दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंडिया के दो उभरता हुआ शहर नोएडा एंड गुड़गांव शहर के बीच कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कौन सा शहर किस मामले में ज्यादा बेहतर है, किस चीज में आगे है और कौन ज्यादा सबसे तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलप्ड हो रहा है। तो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। हाथ में कॉफी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए नोएडा एंड गुड़गांव शहर की वर्चुअल टूर पर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। नोएडा जिसे कहा जाता है मिनी जापान ऑफ इंडिया और गुड़गांव को कहा जाता है मिनी दुबई ऑफ इंडिया, इन दो शहर को ये टैगलाइन मिलने के पीछे काफी सारे कारण है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के स्काईलाइन, यहाँ के वाइड रोड्स, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मेट्रो, यहाँ के ग्रीनरी, यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ के वर्क कल्चर, यहाँ के नाइट लाइफ, यहाँ के बिगेस्ट मॉल्स, यहाँ के गोल्फ क्लब, यहाँ के रेसिंग ट्रैक्स, इन सभी चीजों के लिए इस दो शहर को ये टैगलाइन मिला है। इंडिया में तेजी के साथ उभरते हुए शहर में नोएडा एंड गुड़गांव एक बड़ा नाम है। पास्ट ईयर्स में ये दो शहर बहुत ही फास्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, इसलिए इन दोनों शहर को एक खास अट्रैक्शन मिल रहा है लोगों के तरफ से। नोएडा एंड गुड़गांव दो शहरी राजधानी दिल्ली एनसीआर का ही एक पार्ट है जिसे कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के अल्टरनेटिव सिटी के तौर पर इन शहर को डेवलप्ड किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है जो स्टेट का एक मॉडर्न शहर के रूप में विकास हुआ है। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज अ प्लैंड सिटी लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गुड़गांव हरियाणा स्टेट का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है और ये हरियाणा स्टेट का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। गुड़गांव पहले गुरुग्राम नाम से जाना जाता था। गुड़गांव लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली इन नॉर्थन इंडिया। नोएडा को एक इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए ही प्लान के अनुसार बसाया गया है, इसलिए यहाँ पे रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दो तरह की बिल्डिंग्स नजर आती है। गुड़गांव को फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब के तौर पर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स ज्यादा है कंपेयर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दोनों शहर में ही इंटरनेशनल ब्रांड से लेके काफी सारे इंडियन ब्रांड की कंपनी की बैक ऑफिस यहाँ पे शामिल है। गुड़गांव में पेटीएम, मारुति सुजुकी, डीएलएफ, एपोलो टायर्स, कार्स 24, अविवा इंडिया, एयरटेल, डेलीवेरी, ऐसे काफी परिचित नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी गुड़गांव इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग बैंकिंग सेक्टर के तौर पर उभर कर सामने आया है। गुड़गांव इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब। गुड़गांव ऑल्सो होम टू इंडिया लार्जेस्ट मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर बात करें नोएडा की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस रियल एस्टेट का ही है। यहाँ पे इंडिया के जाने माने लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की काफी सारे बैक ऑफिस यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा काफी सारे इंटरनेशनल जायंट कंपनी की ऑफिस स्पेस भी नोएडा में मौजूद है। नोएडा में आईटी पार्क से लेके फिल्म स्टूडियोस लार्ज नंबर पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे काफी सारे इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल की स्टूडियो भी मौजूद है। गुड़गांव में ज्यादातर जगह पर कंक्रीट का जंगल नजर आती है। हर तरफ ही ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं, बिजी ट्रैफिक रोड एंड लोगों का भीड़ नजर आती है। लेकिन नोएडा में ऊंचे ऊंचे हाईलाइट स्काईलाइन के साथ साथ ग्रीनरी भी है। नोएडा को कंसीडर किया गया है इंडिया का वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी के तौर पर, जहाँ पे 50% एरिया ग्रीनरी से भरा हुआ है। नोएडा इंडिया का स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश का बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। बेस्ट सिटी अवार्ड कॉन्डक्टेड बाई एबीपी न्यूज इन 2015। वही गुड़गांव को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है स्वच्छ भारत मिशन में। नोएडा इंडिया का स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश का बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। गुड़गांव एंड नोएडा दोनों शहर ही बहुत ही नीट एंड क्लीन है। शहर को क्लीन रखने के लिए सब कुछ मेंटेन किया जाता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फिर भी यहाँ पे नोएडा को मीडियम कैटेगरी में फोर्थ क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। हालांकि अभी तक गुड़गांव को ऐसी कोई अवार्ड नहीं मिला है। नोएडा में इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट भी मौजूद है, जहाँ पे फॉर्मूला वन रेसिंग कार्स का इवेंट भी ऑर्गेनाइज हो चुका है, जो कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नाम से जाना जाता है और ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। गुड़गांव इंडिया का एक लीडिंग कॉमर्शियल, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर है,
जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग जॉब करने के लिए आते हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो गुड़गांव काफी एडवांस है कंपेयर टू नोएडा। यहाँ पे आईटी सेक्टर से लेके बैंकिंग सेक्टर तक वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलता है, जो गुड़गांव को बनाता है इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कॉमर्शियल हब। दोनों शहर ही राजधानी दिल्ली एंड इसके आसपास के एरिया के साथ रैपिड मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। गुड़गांव से दिल्ली तक वर्ल्ड क्लास फुल्ली एलिवेटेड रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बना हुआ है, जो कनेक्ट करता है गुड़गांव के कॉमर्शियल एरियाज को। नोएडा से भी दिल्ली एंड डीएलएफ तक रैपिड मेट्रो सिस्टम बना हुआ है। नोएडा का द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है। इट इज पॉपुलरली नोन एज द जीआईपी मॉल। यहाँ पे काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल रिटेल आउटलेट बना हुआ है। ये मॉल इतना बड़ा और इतना पॉपुलर है कि यहाँ पे लोग सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं बल्कि काफी सारे आदर्श एक्टिविटीज करने के लिए भी आते हैं। द मॉल इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द लार्जर एंटरटेनमेंट सिटी अमोसमेंट पार्क वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। अगर गुड़गांव की मॉल की बात करें तो गुड़गांव की एम्बियंस मॉल यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड की आउटलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे हमेशा क्राउड रहती है। अगर एयरपोर्ट की बात करें, गुड़गांव में अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं है। गुड़गांव की सबसे नजदीक एयरपोर्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंप्लीट होने के बाद ये बन जाएगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और इसको लेके ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ही पॉड टैक्सी चलाने की भी परियोजना भी बनाया गया है। ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर गुड़गांव के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में बात करें तो रहेजा रेवंता बिल्डिंग है गुड़गांव का सबसे ऊंचे टॉलेस्ट बिल्डिंग। नोएडा की सबसे ऊंचे टॉलेस्ट बिल्डिंग की अगर बात करें तो सुपरनोवास पियरा है यहाँ के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया में काफी जाने माने टॉलेस्ट टावर है, और इसको लेके काफी सारे डिटेल्स में वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे तो दोनों शहरी अपने अपने अलग अलग वजह के लिए देश में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है, चाहे उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा हो या फिर हरियाणा का शहर गुड़गांव। दोनों शहर में ही प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही है। कोई शहर इसमें ज्यादा अच्छा है तो कोई उसमें ज्यादा अच्छा है। जैसे गुड़गांव में बहुत ही ज्यादा हाई राइज स्काईलाइन बना हुआ है कंपेयर टू नोएडा, ऐसे ही नोएडा में ज्यादा ग्रीनरी है कंपेयर टू गुड़गांव। लेकिन आप बताओ, इन दोनों शहर में से आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? अगर आपको मौका मिले इन दोनों शहर में जाने के लिए तो आप कौन से शहर में सबसे पहले जाना चाहोगे, कमेंट पर जरूर बताना। आई होप नोएडा एंड गुड़गांव की कंपैरिजन वीडियो वर्चुअल टूर आपको मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।